भाई मैं सुनील फिलहाल आफा खड़ा हाँ तोगड़ा कला कमाइन और पशु चिकित्सालय है उरे बठाएड़ा हाँ जो पड़े नवलगढ़ कमाइने जिलो झुंझुनू। तो दिखावा था ना आज को ये पूरो मामलों के है। ये ग्रामीण वाला अड़े खड़े ही यो पशु चिकित्सालय है तो अन पूछेंगे अड़े की बात हो रही है क्यों अड़े इकट्ठा हो रही। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? अजय। तो अड़े क्या इकट्ठा हो रहे हो, क्या बात होगी? अड़े मैडम जी इकट्ठा यहाँ हो रहे हैं गांव में जो पशु हॉस्पिटल है डॉक्टर जी टाइम पर ड्यूटी कौन करे। अच्छा। और जद भी बाने सप्ताह एक दिन या दो दिन बड़ी मुश्किल आवे साइन करे पाचा चला जाए कोई गाँव को बान पूछे ड्यूटी क्यों कौन आओ बाबू एक ही जवाब है मुकदमा कर दूंगा राजगारे में बाधा का मुकदमा लगा दूंगा धमकियां दे रहे हैं बोलो इसका क्या करें। अच्छा। और जब अभी आए हैं दो दिन से रजिस्टर में सिग्नेचर कर रहे थे गांव वालों ने रोका तो जबरदस्ती सिग्नेचर करने लगे और ड्यूटी पे आते ने जहां शिकायत करनी है वहां कर दो आप कौन हो पूछने वाले मेरे ऊपर से विभाग वाले पूछेंगे मेडिसिन के लिए बोलते हैं तो मेडिसिन नहीं है चलो मेडिसिन नहीं है इनके पास में कोई बात नहीं तो ये कम से कम गांव से जो पशुपालक आ रहे हैं उनको दवाई लिख के दे दें या कोई अपना घरेलू उपचार बताएं तो भी गांव वाले संतुष्ट हो। ये ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं देना सही समय पर आए सही समय पर सेवाएं दे अरे सेवाएं महीने में एक या दो बार दिखाई देता है यार दो के स्टाफ पहले से है नमित मिल उसको सिंसिया बीएलओ लगा रखा है पशु गणना में लगा रखा है टीकाकरण में लगा रखा है एक बंदा है वो तीन काम कैसे संभाल सकता है डॉक्टर आता नहीं है 15 दिन से आता है एक दिन साइन करके चला जाता है एक दिन साइन करके चले जाए पूरे महीने से भरोसा है खाली हॉस्पिटल पूरे महीने के ऊपर पहले से है ना वो आता है कभी बीएलओ की ड्यूटी करता है और कभी तो हॉस्पिटल खुलो रहा है बंद रहा है पहले से आता है वो संभालता है हॉस्पिटल वो खोल के जाता है क्लास के रहते हैं फोर्थ क्लास के। हाँ बताओ। मेरा नाम देशराज है। हाँ। और मैं हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक पड़ोसी हूँ जिस दिन भी ये डॉक्टर आता है उसी दिन गांव वालों के साथ अपवाद और झगड़ा करता है गांव वालों के साथ मारपीट के भी कोशिश करता है बोलता मैं दिव्यांग हूँ खुद बोला वो खुद ही बोला इसलिए बोला मैंने वो बोलता मैं दिव्यांग हूँ मैं ऐसे कर दूंगा वो कर दूंगा किसी की भी भैंस आज चल रही नहीं है बहने वाले बोलता घर नहीं जा सकता मैं मेरे पास यहाँ लेके आओ एक पशु है जो पांव पसार रखे हैं उसके लिए बोलता मेरे पास घर लाओ यहाँ पे लाओगे तो ही मैं दूंगा कुछ करूंगा नहीं वरना जाओ अगर वो कुछ कहता है तो उसको मार पीटने पर और केस मुकदमे पर भी उतारू होता है। अच्छा मतलब थारा घर कौन सा है? बिल्कुल किसी का भी पशु किसी भी तरीके का हो ये नहीं जाता है। बताओ थारो क्या कहना है? जी हम एक दो बार हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर जी मिले नहीं एक बार मिले तो हमने उनसे पूछा कि आप आते नहीं हो और हमारे मतलब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है डांडों के तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज ले आओ आप जब लेके आया तो उनको छुआ भी नहीं मतलब पशु को हाथ भी नहीं लगाया और उन्होंने बोला कि इसको तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है आप पैर धो के इसको रख दो पैर ठीक हो जाएगा फिर मैं 5-4 रोज बाद में वापस आया कि ये तो ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि हमारे तो यहाँ इतनी दवाइयाँ हैं जो आई नहीं है और आप एक काम करो दवाइयों की शिकायत कर दो तो मैंने बोला कि आप तो आओ पहले दवाई तो बाद में आएंगी तो बोला आप शिकायत कर दो फिर सभी आ जाएंगे ये तो इनका रिप्लाई मिलता है। राम राम बाबा जी। राम राम बेटा। थारो क्या कहना है? कहनो के बेटा न तो टेम्पल आवे न जायो। हाँ। और मैं की सुने सुने भी कोनी थारी ना सुने कोनी गामा उलट लाओ तो ये यहाँ बोल रहे कि मारा धमकी दी भाई बिल्कुल धमकी दे रहे सागे मुकदमा की धमकी दे रहे है। अच्छा तो क्या बोले धमकी में? धमकी में यही बोला कि मुकन का FIR दर्ज करवा दूंगा मैं। तारे अच्छा, पर। दो तीन महीने पहले मेरे साथ हुआ था लफड़ा लाल दवाई नहीं है कीड़े की दवाई नहीं है कीड़े की गोली नहीं है फिर यहाँ मेरे साथ में लफड़ा गया था पेन की भी मेरे यहाँ दिन थी पेंसिल की। अच्छा आपको चोट? हाँ मेरे साथ पूरा इधर पूरा लफड़ा हुआ है उसके साथ फिर मेरे को बोला केस करके आऊंगा और ये फिर गाँव वाले ये बोला केस में क्या फायदा है तेरा गलती है। अच्छा उस दिन मेरे साथ में भी ऐसा ही किया था मैं बोला लाल दुआ है नहीं है कीड़े की दवाई है नहीं है कीड़े की टेबलेट है नहीं है कुछ नहीं है क्या चीज के लिए बैठा इधर। अच्छा मतलब को देखने आता है दिव्यांग को पूरा फायदा उठा रहे हैं वे। हाँ, दिव्यांग को पूरा फायदा 100%। अच्छा सर्वर कलेक्टर के पास चलो SP के पास चलो जो शिकायत करने करो। अच्छा मतलब ऐसे के मेरे हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा थाने यह बात बोल रही हैं और रेलवे से 3 जगह ड्यूटी हो कहाँ कहाँ करेगा ये आता नहीं 15 दिन से आता साइन करके चला जाता है तो ये सप्ताह में कितना दिन खुलो रहे? सप्ताह रेलवे से खोलते हैं सुबह खोलते हैं वो बीएलओ की ड्यूटी है वो शीशा चला जाता है। अच्छा, जो डॉक्टर बैठा हुआ वही डॉक्टर आते नहीं 15 दिन से आ जाने में रजिस्टर जब्त कर रखा है इसका 2 दिन से एब्सेंट लगा रखे जब बोलता है गौशाला में आऊंगा नहीं आऊंगा तो साइन वगैरह देखे आज देख रहे हैं रजिस्टर की फोटो हमारे पास। अच्छा तो साइन में क्या है? रजिस्टर पीछे का साइन कर दिया 2 दिन का आज हमने करने नहीं दिया। अच्छा थारो खंडो यो है कि मतलब एक दिन और पीछे का पूरा साइन कर 15 दिन का साइन है 20 दिन का साइन करके मनन चार बार है मनन चार बार हर सोमवार को हर सोमवार ने साइन करके चला जाता है।
साइन करके चला जाए। आता नहीं है, खाली एलएसी के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। अजी दूर गई है तो झूठ बोलने पर नहीं जाना, थोड़ी झूठ बोल रहे हैं। वो तीन बार उड़ के आयो, किसी को मन तो यही स्थिति मिली। पहले भी एक दिन अगर भरोसा हो रहे हो जरा मैं बातचीत करी मुझे के बाद। सब आदमी का परेशानी है, इनकी सबको परेशानी है। ऐसा डॉक्टरी नहीं चाहिए गाँव में, इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ दूसरा लाके ठको। क्या काम का है, इधर भैंस लाएगा तो उसे सुई नहीं लगाई जाती है। क्या क्या लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, लगाने की पत्तों पर की कोशिश करी, काल कड़े आए कौन बिंदु सर झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कह रहा है जब भी फोन किया जाता है हॉस्पिटल में आके तो यही नाम लेते हैं कि हम फेल सर गौशाला में हैं। हाँ बताओ। जब भी इनके पास हम आते हैं और कहीं से नंबर देख के इनके पास फोन करते हैं तो इनका जवाब यही रहता है कि मैं तो देल सर गौशाला में हूँ। अच्छा, जितनी बार पूछा जाता है यही नाम लेते हैं, देल सर गौशाला में हूँ। गौशाला है वहाँ। अब सब भाई जाने तो बाकी कहीं बना रखी है, वह मानते ही बात को तो नॉलेज इतना कोनी, पंचायत के नीचे तो पड़ा है वह गौशाला, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में कोनी मिले मान। हॉस्पिटल में मिली कोनी संकट है कोनी मिली। और हॉस्पिटल वाली गाड़ी आती है वो आती है तो भी नहीं मिलती है। जना भी कौन मिली? ना ना, वो भी ये बोलते हैं ये डॉक्टर साहब गएगा, ये आसपास में पड़ोस पूछ के जाते हैं। अच्छा, वो पड़ोसी हम पूछ के जाएंगे, दवाई देगी जहां पड़ोस में करा है तो दवाई मिलेगी घरे हूं। अच्छा, रही कौन तो दवाई बेचारा देख ही जानी, अब दिंगा किन दिंगा पहले से मिलते हैं उसके पास, हॉस्पिटल चल रहा है खाली। अब एक नमित कंपाउंडर वो क्या क्या करे, तीन गांव के पास तो शीशा जाता है पशुगंडा में, इसमें टीकाकरण में जो आपने यहाँ लोग देखे हैं ना 40 से 50 लोग, इनमें से किसी को हमने पर्सनल नहीं बुलाया। एक ग्राम पंचायत हमारा ग्रुप है, उसमें हमने मैसेज डाला कि जो भी लोग इस चीज से इस समस्या से पीड़ित हैं वो आ जाएं। ये 40 से 50 लोग वही हैं लोग हैं जो इनसे पीड़ित हैं। तो अरे जितना भी बेड़ा हो रहा है इससे क्या दिक्कत है? हाँ, सबकी दिक्कत है वही है, किसी को हमने पर्सनल नहीं बुलाया। केवल ग्राम पंचायत ने बोला था कि भाई इस बात पे हमने मुद्दा उठाया है, आप लोग हमारे साथ में हो। तो ये जो 20 से 30 लोग आए हैं और मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो रहे हैं 15-20 मिनट में आ जाएंगे, वो भी आने वाले हैं। आज इस मुद्दे को हम पूरा फिनिश करना चाहते हैं। ये थर्ड सब की मांग की है, यहाँ से भगाओ, निकालना चाहो, काम में नहीं चाहिए। क्या काम, कोई काम का नहीं है, खुद ही बोल रहे हैं सर। क्या करेंगे, मैं तोगड़ा पंचायत में रहना कौन चाहूँ, ब्लॉक में कौन रहना चाहूँ। अच्छा, खुद ही बोल रहे हैं, इनके पास अगर एक छोटी सी बकरी भी लेके आ जाए ना तो उसके लिए बोलते हैं कि इसको पकड़ो दो लोग, फिर मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा। अरे बकरी को इंजेक्शन नहीं लगा पाते, अभी तो बोल रहे हैं कि काल गाय का इंजेक्शन लगाने का डर है। 5 दिन पहले मैं बकरी लेके आया था तो मैं और एक मेरा साथी दो मिलकर हमने बकरी को पकड़ा, फिर मैंने इंजेक्शन लगाया। डायरेक्ट कोई संबंध है? अच्छा, बकरी का इंजेक्शन लगाया, कौन सरकार गाय का इंजेक्शन लगाने गया? पकड़ा तब तो इन्होंने इंजेक्शन बकरी को लगाया, तो गाय का इंजेक्शन कहाँ से लगाएंगे ये तो आप ही बता दो। गौशाला में बात हुई तो गौशाला वाले ने साफ साफ थोड़ी मदद थे भी कर दिया करो। हाँ जरूर, हम इनकी मदद करते हैं, पर मदद तो तब कर रहे हैं जब ये आए। तो 10 से 20 दिन में तो एक बार आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, उस दिन जाते हैं तो एक दो घंटे रुकते हैं, बोलते हैं ठीक है बकरी ले आओ। अब मैंने बकरी को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके आया, मैं एक ही था, बकरी लेके आ गया, फिर इन्होंने बोला कि बकरी को पकड़ो, तो मैं अकेला पकड़ रहा था, वो हिल रही थी, एक साथ वाला था, दूर से जा रहा था वो रस्ते से, तो मैंने उसको बुलाया कि भाई एक बार आ, हम दोनों ने पकड़ा, फिर इन्होंने इंजेक्शन लगाया। कुछ अब शब्द भी बोलेंगे क्या? अब शब्द भी बोलेंगे? हाँ, मैंने इनको बोला कि भाई और कोई दुआ दे दो, तो बोला और तो दुआ आती नहीं है, आप शिकायत करो। हमने बोला किस चीज की शिकायत करें, दवाई तो तब आई जब आप हॉस्पिटल में लोगे, दवाई देने वाले तो मतलब गाली गलौज वगैरह बता रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह सुबह ये धमकी दे रहे थे, सुबह सुबह 5-7 लड़के गए थे कि आप क्यों नहीं आते, तो इनको बोला कि आप बाहर निकल जाओ वरना हम आपके ऊपर FIR करवा देंगे। ऐसी तो ये बातें करते हैं हमारे साथ आने पे। भाई अब डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि गांव वाला जो भी बोल रहे हैं बस सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो डॉक्टर जी, और हॉस्पिटल है कौन सा गाँव में? तोगड़ा कला। तोगड़ा कला पंचायत समिति नवलगढ़। नवलगढ़ पंचायत समिति, कितना दिन से जॉइनिंग हो? 24 फरवरी से, लगभग 8 महीने हो गए। अच्छा, तो ये गांव का जो बात कह रहे हैं बस सच है? मैडम गांव वाले कह रहे हैं उसका मुझे पता नहीं, मैं डेली ड्यूटी पे आता हूँ। यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने धमकी दे रही, मैं आओ जना मुकदमा की बात करी ही। मैंने कोई धमकी नहीं दिया, इन्होंने रजिस्टर छीना तब मैंने कहा था कि ये गलत काम है, सरकारी रिकॉर्ड को आप नहीं छीन सकते, तब मैंने कह दिया था। इसके अलावा मेरे को किस लिए इन पे मुकदमा करना है, ये मेरे पास नहीं आएंगे तो फिर मैं आगे नहीं रहूंगा। पशुओं का इलाज नहीं, पशुओं का इलाज करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और इनको मारने नहीं दूंगा तो फिर मैं यहाँ बैठा किस लिए हूँ? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल तो अपन दवाई कौन मिल रही? दवाई तो मैडम जो ऊपर से आती है वो मैं इनको देता हूँ, दवाइयों की सप्लाई बहुत कम आ रही है। मतलब सप्लाई के लिए बोल रही जो गाड़ी आवे ना, डॉक्टर जी मिल रही को नहीं जब वो दवाई गलते के जाओ? मैडम जी जब गाड़ी आई है तो हमने दवाई उतारी है, रिसीव्ड वाउचर पे साइन किए हैं दवाइयाँ, आप जूम जाके चेक कर लो यदि रिसीव्ड। जब दवाई आती है तो हमारे पास में लिस्ट आती है कि आज आपकी दवाई की सप्लाई आ रही है, और सप्लाई हमें लेट भी आती है तो उसको लेते हैं।
चाहे वो कितनी लेट आए, यदि शाम को भी आते तो लेते हैं, लेकिन सप्लाई इस वक्त ऊपर से सरकार के द्वारा बहुत कम सप्लाई आ रही है, जिस कारण उससे पूर्ति नहीं हो रही। जैसे कि शुक्रवार को इन्होंने कहा था कि आप लिख के दे दो, हमारे पास नहीं है, तो मैंने इनको लिखित में भी दिया कि हॉस्पिटल में एक भी इंजेक्टेबल उपलब्ध नहीं है। तो यह बोल रहा है कि कल मैं फोन करके बुलाया तो मैंने एड्रेस वगैरह कौन बताया, वो खड़े आते हैं। मैं देर सर मैं गौशाला में टीकाकरण कर रहा था, गौशाला में टीकाकरण मतलब गायक है। हाँ, और मैंने इनको बताया भी था। तो ये तो टीकाकरण था, बोल रहे कि दिव्यांग ही और बकरी का टीको लगा में जने को तीन चार पकड़ी जना गायक है। मैडम ये इनके कहने से थोड़ी, मेरी जब कामधेनु बीमा योजना चली है तो 500 बीमा है ऑन रिकॉर्ड, जब मैंने इतना काम किया है तो दिव्यांग क्या काम नहीं करते हैं? गौशाला का रिकॉर्ड वगैरह है, वो तो गौशाला वाले जाने मेंटेन करते हैं कि मैं तो रिकॉर्ड को दो दिन में अपडेट कर दूंगा, जो टीके लगाए हैं उनको मैं, हमारा जो ऐप है उस पे दो दिन में अपडेट कर दूंगा कि मैंने इतने टीके लगाए। धारकन तो रिकॉर्ड हो कोई भी को। बिल्कुल अपडेट करूंगा मैडम, मैं रफली रिकॉर्ड है मेरे पास, और अपडेट करके आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। 26 अगस्त से टीकाकरण अभियान चल रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। इस टीकाकरण अभियान की सूचना मैंने अपने ग्राम पंचायत में सरपंच जी को भी भेज रखी है लिखित में, और टीकाकरण अभियान के चलते मैं जगह जगह टीकाकरण कर रहा हूँ। मेरा जो टीकाकरण कर्मचारी है उसकी बीएलओ में ड्यूटी लगा रखी है, पशु गणना में ड्यूटी लगा रखी है, कर्मचारी है वो समय पे आ नहीं पाता, इसलिए मैं अकेला पड़ रहा हूँ और मैं टीकाकरण कार्य में बाधित रहता हूँ। इसलिए चूंकि कल हॉस्पिटल बंद रहा, इसके लिए मैंने इनको बता दिया था कि मैं टीकाकरण में हूँ, हॉस्पिटल बंद है, और आज भी चूंकि 2 घंटे की ड्यूटी थी, मैं टीकाकरण करता, लेकिन फिर उन्होंने सुबह हंगामा कर लिया, कुछ चुनिंदा लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं, उस हंगामे की वजह से जो मैं है टीकाकरण कार्य नहीं कर सका, वो मेरा बाधित रहा, और बाकी मैं समय पे आता हूँ, समय पे पूरी ड्यूटी देता हूँ। कामधेनु बीमा पीछे जो बीमा योजना चली है उसमें मेरी 500 बीमा है, बिंदू सर से जिनका मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ। कल जो मैंने गौशाला में टीकाकरण किया उसको मैं 2 दिन में अपने जो पशुधन ऐप है उसमें अपलोड कर दूंगा। मैडम टीकाकरण अभियान के चलते संस्था कई बार बंद मिल जाती है गाँव वालों को, लेकिन यदि बार बार इसको चेक और कुछ गिने चुने गाँव वाले राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस चीज़ को प्रसारित कर रहे हैं, बाकी यदि आप बार बार इस चीज़ को चेक करोगे तो संस्था आपको खुली मिलेगी, और आई हुई दवाइयाँ हैं उनका वितरण गांव वालों के लिए ही किया जाता है। गांव के कुछ व्यक्ति जो मुझे गलत ठहरा रहे हैं वो यदि सच्चाई को देखते हुए बार बार संस्था को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं टीकाकरण में ही था और मैं संस्था को समय पर खोलता हूँ, समय पर बंद करता हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। चेयर से उनको बाहर निकलवाएंगे, टीचर चेयर पे बैठ के पढ़ाते हैं जो कि उचित नहीं है। तो अच्छा इनको मामला भी थार सामने आएगा? हाँ बिल्कुल, सुबह ऐसी बातचीत हुई है। अच्छा। तो ये इनके व्यू बनाए हुए हैं और व्यू के अंदर यदि कोई चलता है तो उसके कर्मचारी दबाव में आता है। तो ये बोल रहे हैं गाली गलौज भी करे पता नहीं? कोई गाली गलौज मैंने तो नहीं किया, गाली गलौज करना मेरा काम नहीं है, मैं एक गजेटेड अधिकारी हूँ। पीछे काम जन बीमा योजना मैंने 500 बीमा की है, डोर टू डोर काम किया है, मैंने अपने हर रिकॉर्ड को अपडेट रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं काम नहीं करता हूँ। यह भी बोलने जो साइन करो ना जो सप्ताह में एक बार आ गया जो गेलडा साइन भी करते हो, बाकी छुट्टी पर रोज बाद साइन भी करते हो? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, कल के साइन मेरे खाली हैं, आपने रजिस्टर भी देखा है, वो इसलिए है कि कल मैं टीकाकरण में बाहर था, 2 ही घंटे का हॉस्पिटल था, यदि मैं चारों ओर घूमता तो फिर काम ही नहीं हो सकता था। कल का साइन कौन करेडा के था रहा? कल का नहीं किया, कल आए को नहीं थे? कल मैडम मैं गौशाला में टीकाकरण पे था। तो ये बोल रहे थे सप्ताह में आओ ना मैडम, अब ये तो कुछ भी कहेंगे तो अपना व्यू बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, उसका तो मैं क्या स्पष्टीकरण दूंगा? गवर्नमेंट के पास कर्मचारी के पास एक हाजिरी रजिस्ट्री होता है, वो आप देख सकते हो, और मैं क्या भी दूं? क्या बात होगी ताऊ जी? हाँ? क्या बात होगी? ये बेटा यहाँ पर आते नहीं, मिलते नहीं। अच्छा नहीं हम रिंग होने के ना ना पूछ नहीं के मुंह से पूछो, बोलो डॉक्टर साहब बोलो, आप अपने मुंह से बोले मेरे सामने। बिल्कुल आता हूँ मैडम जी, डेली आते डेली आते। अरे झूठ बोल रहे यार तू, अरे डॉक्टर है पढ़ा लिखे हम दोनों पढ़ा नहीं है, मैं जोड़ा कि डॉक्टर जी कोई समस्या था राज की बता दो काम थे आज और दिन में देता डॉक्टर जी दवा तो आ गया मैं गया हॉस्पिटल में ए डॉक्टर जी ड्यूटी करे आ डॉक्टर साहब ने ए आप पूछो मीडिया वाले बंदो मरो निवेदन है कि हम पूछो ए कत्ता दिन ड्यूटी पर आवे ए सप्ताह के महीने एक दिन आऊंगा पीछे की बैक डेट की हाजिरी करें वापिस चला जाए कोई आदमी है पहली बात तो पूछने की हिम्मत कौन करे क्यों आगो स्वभाव थोड़ा सा तेज है अगला पर हावी हो जाए अपने शब्द फिर अगर कोई गलती हो मेरे शहर को कह दियो कि डॉक्टर साहब ड्यूटी पर क्या होने रहे जना ए कीमत हो ए आऊंगा कारण ऊपर नो पूछो ठेकुनो मन पूछने वाला मेरा अधिकारी पूछे मैं ये प्रशासन हाथ जोड़ निवेदन करूँ तोगड़ा गला गांव की तरफ हूँ कि अन पूछने को अधिकार
किन भी विभाग में है आगे शुद्ध बुद्ध लियो ड्यूटी पर आ रहे हैं अपनी गांव पूछे जित गया गांव को पूछ गया क्यों क्योंकि मेरे विभाग पूछे भाई संघ का बिल्कुल सरकार देवे आपको विभाग देवे गांव को देवे बट तो ध्यान माने भी है कि टैक्स वो सारो विश्व के नारे है भी मारो भी थोड़ी बहुत भागीदारी है और मारे गाँव में ड्यूटी नहीं करे दूसरे गाँव में चला जाए आपको ट्रांसफर करा ले जा तो साहब माने ड्यूटी चाहे मारा गाँव का बीमार पशु में ले रहा हूँ हॉस्पिटल का ताड़ू मिले कड़ा कोई अगर बार त्योहार चौका दिन हुई मारो बाग चौको है डॉक्टर साहब बड़े मिलगा तो एक जवाब दूंगा मैं असमर्थ हूँ बिल्कुल भाई असमर्थ ए मारे पूरे तो काम करना बकरी ने देखने में भी असमर्थ और एक ही मैं गौशाला में जाके गाया को इलाज करूँ तो डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है कि गौशाला में गाया को इलाज कर सकेंगे तो अठे बकरी को इलाज कौन कर सकेंगे आ बार पूछना चाहवा पूछो सर बोलो डॉक्टर साहब ये जो बोले ही बताओ नहीं मैंने कभी भी पशु आने पर ये नहीं कहा कि मैं असमर्थ हूँ ये इनके मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप हैं जो भी पशु आता है उसका उचित उपचार किया जाता है जो यहाँ दवाई नहीं होती है उनको लिख के दी जाती है फिर ये जवाब दे देते हैं कि भैया आज हम दवाई लाने में समर्थ नहीं है तो जो यहाँ होती है उससे इनका उपचार कर दिया जाता है बाकी सरकार द्वारा जो दवाइयों की सप्लाई है वो उचित नहीं समय पर पूरी सप्लाई नहीं आ रही है इसलिए संस्था में पूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है किसी भी संस्था में पूरी दवाइयाँ नहीं आ रही हैं पूरे राजस्थान में नाम मात्र की दवाइयां थोड़े दिन पहले भेजी गई हैं बृहस्पतिवार या शुक्रवार को नाम मात्र की दवाइयां भेजी गई हैं उनसे हम इलाज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी तो फिर हमारे पास इलाज करने के लिए दवाइयां नहीं बचेंगी तो इलाज करें कैसे फिर ये भाई देखा कि उरा कनेक्शन है कुन्या है कनेक्शन है ना कनेक्शन है मोटर भी है पानी टंकी आप आसान छड़ी को हाँ। देखो इनको जरूरत होती है पानी निकालते हैं नहीं तो ये सेपड़ा खुला भी पड़ा रहता है अगर कोई बच्चा के तो डॉक्टर जी नहीं कौन मेरे कनेक्शन है भाई साहब ये खुला भी रहता है कितना दिन हुई है डॉक्टर साहब कितना दिन हुई है ये 6 महीना हो गया छह महीना आधी बार ये खुला भी रहता है अगर किसी का बच्चा गिर गया कोई पशु गिर गया छोटा बच्चा तो देखो क्या हादसा होगा ये भी देख लो इनको जरूरत ही नहीं है वहाँ से कनेक्शन ये कनेक्शन इससे पानी आता है ये कनेक्शन नहीं है क्या ये देखिएगा एक बार ये क्या भाई साहब इसमें पानी आता है और वो भी फ्री आता है वो बांधा हुआ कनेक्शन दे रखी है काट करके वो दे वो बांध रखा है जाओ जाओ ये आगे वो कनेक्शन ये मोड़ के छोड़ रखा है तार में यहां से कनेक्शन है यहां पे वो पाइप यहां काट दिया ऊपर मोड़ रखे इन दो आप करने लगे वो वीडियो पानी वेस्ट काट पानी चाहिए नहीं इसको काट दिया इन्होंने काटा काट करके यहां छोड़ दिया पानी दीवार में जा रहा इन पानी आवा है ना बिल्कुल बहुत प्रेशर है बहुत ज्यादा फुल पानी आता है टैंक एक दिन में भर दो ये फोन क्या गया था डॉक्टर जी को कि मतलब आ रहे होगा हॉस्पिटल में तो बोला हाँ मैं हॉस्पिटल में वहाँ आ जाओ तो मेरी मम्मी आई थी 4-5 बकरी लेकर के जब मम्मी बकरी लेकर के आई तो इन्होंने देखा फिर देख के बोला कि आज तो दवाई नहीं है आप बाद में आना ये बात है फोन मतलब बकरी बलवाली अड़े हाँ बकरी लेके आ गए थे उसके बाद मैं इलाज कर दूंगा फिर हाथ भी नहीं लगा बोला दवाई नहीं है दवाई तो फिर बुलाया क्यों मैं वीडियो थे पूरो देखे थारा सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजो और जका भी दर्शक इस चैनल पर नया आया ही भाई अपना चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजो थारो प्यार हमारे साथ में ऐ जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद।